हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस सेशन में। जैसा कि आप सब थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं, ठीक है। इस पे 3 से 4 सेशन लगभग हो चुके हैं और ये आज उसका अगला सेशन है। सबसे पहले बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैथ्स बोर्ड चैनल को। इस पे वीडियोज बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आते रहेंगी, ठीक है। तो इस समय फिलहाल जो एग्जाम ज्यादा मतलब होने की संभावना है वो है एमपीएसआई, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2023, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जब तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हो जाता तब तक तो कुछ कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन इतना अनुमानित है कि लगभग 500 के अराउंड वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, अभी जो खबरें जो चल रही हैं उसके मुताबिक, ठीक है। तो इस पे मैं कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं बोल सकता आपसे कि इतना आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये अनुमानित है कि 500 वैकेंसीज आने वाली हैं अगर आती हैं तो, ठीक है ना। तो हमें बेटा अपनी तैयारी को पुख्ता रखना है, नोटिफिकेशन जब आएगा तभी क्या कहते हैं हम फॉर्म बस भरना अपने को रहे, बाकी अपनी तैयारी ऑलरेडी पहले से पूरी पुख्ता रहे, ठीक है। तो उसी तैयारी के सेंस में जो सबसे बेस्ट चीज होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपने पेपर्स में देखा भी होगा कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लें, फिर उसके बाद हम आगे की चीजों को भी जारी रखें, ठीक है। तो अगर आप बच्चों पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैथ्स वर्ल्ड नाम याद रख लीजिएगा, आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलो बिना कोई भी वक्त जाया किए हुए सेशन की करते हैं शुरुआत, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों को सुनिएगा, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है तो राशि क्या, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स डिफर बाय ₹42, देन द सम इज। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इसको कैसे करना है। पहला चीज तो ये कि इसको आप अपने से ट्राई करिएगा, जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ मेरे सॉल्यूशन बताने के पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला तो एकदम सिंपल मेथड, मेथड वन मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। पहला मेथड जो कि हम फॉर्मूला वाला जो हम जानते हैं बेटा, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो होता है PRP/100, क्लियर है। P हो गया प्रिंसिपल, R हो गया रेट मतलब ब्याज, और टाइम हो गया समय, ठीक है। अब देखो जैसा जो दिया गया है उसको हम बस उस तरह से कैलकुलेट कर देते हैं। बोला गया है कि 4 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है और 3 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 42 रुपए, ठीक है। सीधे सीधे बेटा ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे बेटा क्या हो जाएगा, हमें प्रिंसिपल पता करना है, रेट कितना दिया गया है, रेट है दोनों में रेट समान है 5 × 4/100, ठीक है। माइनस वही चीज P इंटू रेट कितना है 5 और इंटू समय कितना दिया गया है आपकी बार 3 वर्ष डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 42 आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि P दोनों में कॉमन है, तो P को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर में बेटा क्या रह जाएगा, 5 × 4 20/100 और माइनस 5 × 3 बेटा कितना हो जाएगा, 15/100, क्लियर है। ये किसके बराबर है बच्चों, ये है 42 के बराबर, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका मतलब देखो यहाँ से मैं इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दूँ, एलसीएम तो 100 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर में क्या रहेगा 20 − 15 यानी कि 5 बराबर हो गया 42, क्या 5 से सीधे सीधे ये 20 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें प्रिंसिपल बताना था, आप सीधे सीधे बोल देंगे कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 42 × 20 यानी कि कितना आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 840, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही, ठीक है। ये तो बेटा हो गया फॉर्मूला वाला मेथड, आपको बेटा ये करना है, शायद आप ये जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगला तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो होता है बेटा परसेंटेज मेथड, ठीक है, ध्यान से थोड़ा बस देर का समय मुझे देगा, इसको मिटा लें।
बेटा जो भी पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो मतलब ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको परसेंटेज मेथड से हम सिंगल लाइन में कैसे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। दूसरा मेथड बेटा है, सेकंड मेथड जो है वो परसेंटेज बेस्ड है, ठीक है ना, परसेंटेज मेथड। अगर आपने प्रतिशत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा बहुत अच्छी बात है, आसानी पड़ेगी आपके। बेटा हमेशा याद रखे रहना कि प्रिंसिपल जो होता है, जो मूलधन होता है, वो हमेशा हम क्या मानते हैं, 100%, ठीक है। और दूसरी चीज, सिंपल इंटरेस्ट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे कि प्रतिशत में क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है R into T%, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो क्या दिया गया है, 5% का 3 साल का और 5% पर 4 साल में जो अंतर मिल रहा है वो 42 का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 साल माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल, ये दिया गया है 42, ठीक है। अब देखना इसको मैं परसेंटेज से कितना आसानी से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। एक सेकेंड बस थोड़ा रब कर दूंगा, हो गया। अब देखो बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो तो 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R into T%, रेट कितना दिया गया है बेटा, 5%, तो 5 into 4 कितना हो गया, 20%, माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 into 3 यानी कि 15%, इसका बेटा वैल्यू दिया गया है 42। कहने का मतलब कि 5% का मान आपको पता चल गया है 42। हमें किसका परसेंट पता चलना था, हमें 100% का वैल्यू पता करना है, 100% का वैल्यू पता करना है, यानी कि 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 मिलेगा। तो सेम यही चीज हम यहाँ पे लागू कर देंगे, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो उत्तर आ जाएगा बड़े प्यार से आ जाएगा 840, ठीक है। तो ये बेटा था परसेंटेज मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड ए अलोन कैन डू इट इन 8 डेज, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन। बेटा ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ये सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं MPSI 2017, ठीक है। इसीलिए ये सेशन है जो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, MPSI के अलावा इसमें आपको और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो आसानी से करना है, खुद से बेटा ट्राई जरूर करिएगा। एलसीएम मेथड का देखो यूज करते हैं, एलसीएम मेथड का सबसे पहले क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसे लिख देते हैं ए और बी 5 दिन में कर रहे हैं बड़े प्यार से। फिर बोला है कि ए अकेले 8 दिन में कर रहा है, ए अकेले 8 दिन में कर रहा है। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 40। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ये जो 40 है ये क्या हो गया, टोटल वर्क। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्षमता, 5 इंटू कितनी बार करेंगे, 8 बार करेंगे तब 40 आएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे तब 40 आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या बताना है, बी के बारे में बताना है कि बी को कितना समय लग रहा है, कितना दिन लग रहा है। दिन बराबर बेटा आपको पता है क्या होता है, कार्य बटे क्षमता, वर्क कितना है 40। अब हमें बी की बेटा क्षमता पता करनी है, आप देख रहे हैं कि ए और बी की क्षमता कितनी है 8, ए की क्षमता कितनी है 5, मतलब इस ए की क्षमता कितनी है बेटा 5, हमें बी का पता करना है, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, बी की क्षमता हो जाएगी 3। तो यहाँ पे बेटा रख देते हैं 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 1/3 करके आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में, जैसा भी आप चाहें। ऑप्शन बी होगा बेटा इसका उत्तर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लगेगा बेटा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बच्चों शेयर भी करिए, ठीक है। ओके बढ़ते हैं आगे, अगर आपका किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा बेटा, जिस भी पॉइंट में डाउट होगा या जो भी सवाल आपका डाउट होगा कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ओके चलो बताओ अगला सवाल बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ डिग्री है, मतलब इट्स नॉट जस्ट 150, ये 150 डिग्री, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 150 डिग्री, तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या है। देखो बहुभुज के लिए बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बहुभुज के सवालों में बस एक सबसे जो जोरदार तरीका होता है वो होता है उनका फॉर्मूला पता हो, ठीक है। अगर आपको उनका फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें और ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। देखो किसके लिए बात किया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। बेटा आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि जो इंटीरियर एंगल होता है मतलब आंतरिक कोण जो होता है बहुभुज का, वो क्या होता है, उसका माप होता है 2 × n − 4 × 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। जहां पे एन क्या होता है बेटा, एन होता है नंबर ऑफ साइड, कितनी भुजाएं हैं, एन का मतलब ये होता है, ठीक है। और वही एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करें मतलब जो बाहरी जो कोण है, बाह्य कोण जिसको कहते हैं, वो होता है बेटा 360 डिग्री बटे एन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हो गए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो इसी का बोला है कि इन्हीं दोनों का जो अंतर है वो 150 डिग्री है, ऐसा ही बोला गया है, ठीक है, देख सकते हैं अंतर बोला है। सीधे सीधे बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं, 2n − 4 × 90 − 360, ठीक है। n और n बेटा दोनों सेम है, एलसीएम क्या होगा, n ही होगा, और ये कितना दिया गया है 150 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 90 × 2 कितना हो जाएगा 180 n, माइनस 90 × 4 हो जाएगा 360, 360 और 360 जुड़ के कितना हो जाएगा बेटा 720, क्लियर है। और ये n इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 n। तो n का अगर आप माप निकालना चाहेंगे तो n का बेटा माप क्या हो जाएगा, इसको इधर रख देते हैं तो हो गया 30 n बराबर हो गया 720, यानी कि 0 से 0 देखो कैंसिल कर देंगे, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 72/3 मतलब 24। तो कुल कितने साइड है, कुल कितनी भुजाएं हैं, आप बोलेंगे कि सर 24 भुजाएं हैं, 24 साइड्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत प्यारे प्यारे बेटा ये सवाल है, शानदार सवाल है। इन फॉर्मूलों को बच्चों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे इस फॉर्मूले से बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल पर, बताइए आसान सा सवाल है, देखिए कैसे कैसे बेटा सवाल पूछे गए थे SI 2017 में। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखे रहिएगा, एक कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखे रहिएगा, जो चाल होती है स्पीड है, जो चाल होती है आमतौर पे उसकी जो यूनिट आपको देखने को मिलेगी वो या तो मीटर प्रति सेकंड मिलेगी या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दो बातें बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जब आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कहा जाए, और दूसरा ठीक इसका उल्टा कि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहा जाए, दोनों बातें बेटा याद रखे रहो। इस पे सवाल पूछता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको बस दो नंबर याद रखने हैं, 5 और 18, ठीक है, बस यही दो संख्याएं आपको याद रखनी है जब भी आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, घंटा बड़ा होता है, मतलब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो इनमें से जो बड़ी संख्या है उसको हमको क्या रखना होता है ऊपर, और जो संख्या बच गई उसको आप रख देते हैं नीचे, ठीक है। मतलब जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आप जब जाएंगे तो आपको वैल्यू को 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और ठीक उसका उल्टा उल्टा जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाएंगे मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या हम ऊपर रखेंगे, 18 और 5 में छोटी संख्या बेटा क्या है 5 है, तो 5 रहेगा ऊपर 18 रहेगा नीचे, ये था बेटा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। कभी भी बेटा कोई रटने की जरूरत नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। बड़े से छोटा, देखो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, जो बच गया वो नीचे। अब देखो सवाल अब कुछ नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड को अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं मतलब बड़ा वाला ऊपर रहेगा, तो देखो 10 को ऐसे रहने दो, बड़े को ऊपर रखना है मतलब 18, जो बच गया उसको नीचे मतलब 5, 5 का जाएगा दो बार में, 18 दूरी कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सवाल भी बता दिया गया प्रीवियस ईयर, तो समझ में आ रहा होगा। चल बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, औसत के ऊपर सवाल है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय लेकर के पढ़िए।
द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ अ स्कूल इज ₹10,000, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 टीचिंग स्टाफ इज 12,000 एंड दैट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इज ₹5,000, ठीक है। देन द नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ इज, किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की जो औसत आय है वो 10,000 रुपये है, 20 अध्यापक की औसत आयु 12,000 तथा अन्य जो अध्यापक नहीं है उनकी औसत आयु कितना है बेटा 5,000। तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो कि अध्यापक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बेटा औसत बराबर क्या होता है? योग बटे कुल, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम अगर टोटल के लिए बात करें, मान लेते हैं कि जो अध्यापक जो टीचर है, टीचर को मैं टी मान लेता हूँ, उनकी संख्या मान लेते हैं, उनकी संख्या दी गई है 20 टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टीचर की संख्या 20 है और जो नॉन टीचर है उनकी संख्या पता करना है, उनकी संख्या हम मान लेते हैं एन। मैं आपको बिल्कुल सिंपल रास्ते से बता रहा हूँ, कहीं कोई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहला कंडीशन, 10,000 दिया गया है, सभी का औसत है 10,000, तो मतलब टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल संख्या, टोटल संख्या क्या है, टीचर का हो गया 20 और जो बचा वो n, मतलब 20 प्लस n बराबर कितना दिया गया है 10,000, क्लियर है। अब देखो अब हमको टोटल सम अगर यहाँ पे हम रख दे तो हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस टी बराबर 10,000 इंटू 20 प्लस n, ठीक है, इंटू 20 प्लस n। अब देखो टोटल सम बताते हैं तो टोटल सम क्या होगा, उसमें टीचर भी आएंगे और जो गैर टीचर है वो भी आएंगे, तो सम यानी कि क्या होता है, औसत इंटू टोटल, यही होता है। तो सबसे पहले टीचर के बारे में बात करते हैं, कितने हैं टोटल 20 और उनका औसत क्या है 12,000, तो जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 20। जो नॉन टीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनका औसत बच्चों दिया गया है 5,000, ठीक है, और 5,000 उनकी संख्या बेटा कितनी है एन, और यही टोटल मिला के कितना है बेटा 10,000, ठीक है, इंटू 20 प्लस एन, क्लियर है। अब देखो एन वाले को एक तरफ रख दो और बाकी को दूसरे तरफ, इसको देखो बेटा सॉल्व करके आप देखिएगा, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा 5,000 एन बराबर आ जाएगा आपका ये 40,000, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। एन जो है सिंपल है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10,000 इंटू 20 प्लस एन है, एन वाले को हमने एक तरफ ले आया और जो बिना एन वाले हैं उसको दूसरे तरफ रख दिए। अब देखो ये तीनों जीरो, इन तीनों जीरो को बेटा कैंसिल कर देंगे, पांच जो है कितने बार में कैंसिल करेगा 8 बार में, मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया, आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर, क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है कि पूरा का पूरा बेटा आपको किताब नहीं लिखना है, आपको थ्योरी नहीं बनानी है, आपको कम शब्दों में ज्यादा सटीक आपको चीजों को बता, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बताओ ये देखो इतना छोटू सा सवाल है, अच्छा सा, बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹45,000 अ पर्सन लूजेस 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%। 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड, ठीक है ये था स्पेलिंग गलत है, भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए। देखो आसान से बेटा सवाल है, 45,000 रुपए, ठीक है, 45,000 रुपीज जो है ये विक्रय मूल्य है, और जब 45,000 रुपए में बेच रहा है तो कितने का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान, 10% का नुकसान यानी कि 100 - 10 मतलब कि 90%, ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य के बारे में आ गया। हमें पता किसके बारे में करना है, 15% जब लाभ होगा तब, मतलब 100 में हम 15 जोड़ देंगे तो वो 115%, मतलब ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कि जो दिया रहता है उसकी इकाई को हम नीचे लिखते हैं, दिया क्या हुआ 45,000 और बोला है कि 10% का नुकसान हो रहा है, तो 100 से घटा देंगे 10 यानी कि हो गया 90%, ये हो गया इसका वैल्यू। पता जो करना होता है उसको हम बगल में मल्टीप्लाई करते हैं, 15% का लाभ हुआ मतलब 100 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 115%, यही हमको पता कर। अब देखो सॉल्व कर देते हैं बेटा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 का कितने बार में काटेगा 500 बार में, तो 115 इंटू 500 करेंगे, 00 आ जाएगा, 5 का 15 बार में 75 और 5 का एक बार में
पांच मतलब 57,500 रुपये हो जाएगा उत्तर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? बेटा कोई भी, अगर आप फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। और इसमें एक बात याद रखे रही है, अगर आपने प्रतिशत बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बेटा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। कोई फॉर्मूला बेटा याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले आपको याद नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगा, ठीक। चलो अगले सवाल पे बेटा बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए, कमेंट करिए बच्चों। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। देखो जैसे दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, दोनों का योग मतलब सम दिया गया है 12 और दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दिया गया है 35। बोला गया है कि उनका जो रेसिप्रोकल है क्या होगा। बेटा ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। बी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/b। और यही पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा, सवाल में बेटा यही पूछा गया है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर आप इस पूरे को अगर इसे डिवाइड करोगे, ए प्लस बी को ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी को ए बी से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बाई ए बी को हम लिख सकते हैं ए बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी, क्लियर है। देखो बी से बी कटा, ए से ए कटा, तो कुल मिला के आपको क्या दिख रहा है, 1/b प्लस 1/a दिख रहा है कि नहीं, और यही तो पता करना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं मतलब 12/35, और यही आपको दिख रहा होगा कि हमारा उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको बेटा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझा। नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है बेटा। सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज आते रहेगी। चलो अगला सवाल है, रेशियो के ऊपर। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 98, यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, बताइए दूसरी संख्या ज्ञात करें। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 5:8, देन द सेकंड नंबर इज। कुछ नहीं करना है बेटा, मान लेते हैं कि तीन तीन जो संख्याएं हैं वो क्या है, ए बी और सी, तीनों संख्या के बारे में बताया कि तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 98। अब ध्यान से देखो, रेशियो दिया गया है पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, 5:8। बेटा ये बी है, ये बी है, क्या ये दोनों सेम होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक नंबर दो तरह से तो नहीं दिख सकता है। ये 3 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, उसको सेम कर देते हैं। सेम करने का तरीका क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो, 3 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ठीक है, इसी तरह से इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई अगर एक में मल्टीप्लाई करने से बात नहीं बनेगी ना, सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 2 बार में 10, 5 का 3 बार में 15, ठीक उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 और 8 कितना हो गया, 24। तो आप देख सकते हैं कि अब समान दिख रहा है, तो इसका मतलब ए बी और सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 10, 15 और 24, ठीक है, 10, 15 एंड 24। तो अब बेटा इसको धीरे सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा है। क्या करना है, अपने को दिया गया, अपने को बताना है सेकेंड नंबर क्या होगा। सेकेंड नंबर मतलब बच्चों आप देख रहे हैं सेकेंड यानी कि 15, हमें 15 यूनिट का वैल्यू बता। देखो एक लाइन में कैसे करोगे, 98 आपको दिया हुआ है, ये क्या है, ये टोटल का वैल्यू है, तो 98 जो है टोटल का वैल्यू है, टोटल यानी कि इनको पूरा जोड़ो, 10 + 15 कितना हो गया 25, 25 + 24 कितना हो गया 49, मतलब 98 जो है 49 यूनिट का वैल्यू है। हमको तो पता करना है
15 यूनिट का वैल्यू, 15 यूनिट को बगल में मल्टीप्लाई कर दो, जो दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो पता करना होता है उसको बगल में लिखते हैं, सिंपल सा फंडा है। 49 को आप दो बार में कर दोगे, 2 × 15 बेटा कितना हो जाएगा 30, और यही है आपका आंसर। ठीक है, ये बच्चों चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बेटा ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, नोट करते जाइएगा बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हल हो रहे हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन, बी इन 20 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं तो शेष काम कितना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम मेथड। एक बात याद रख करिए, टाइम एंड वर्क जो पूरा चैप्टर है ये एलसीएम मेथड पे ही पूरा टिका हुआ है। इस मेथड को अगर आप जानते हैं तो आपके बहुत सहूलियत होगा, कोई फॉर्मूला बेटा याद करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 2 ही चैप्टर में फॉर्मूलोज की जरूरत होती है, एक है अलजेब्रा और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो जब उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल सवाल करते हैं, ध्यान से देखो। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में। दोनों का बच्चों एलसीएम ले लोगे, आप बोलोगे सर ये 60 होता है, हमें इतना पता है गुरु जी। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, पता है तो चलो आगे भी बता दो। 15 का कितने बार में करेंगे, 4 बार में तो 60 आ जाएगा। 20 का कितने बार में करेंगे, 3 बार में तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये क्षमता आ गई, ये दिन है और ये टोटल वर्क है, मतलब कुल कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि वे 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं, मतलब 4 दिन का काम तो हमको निकालना होगा। ठीक है, आपको बेटा एक फॉर्मूला बस याद रखना होता है इसमें, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला होता है। अब 4 दिन का काम बोला गया है, 4 दिन का काम। ठीक है, तो 4 दिन का काम इसका ए और बी दोनों का, इसका ए और बी दोनों का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, काम क्या होता है एफिशिएंसी इनटू डेज, दोनों के लिए बात किया जा रहा है तो दोनों की क्षमता लेंगे, तो 4 + 3 रख देंगे, इनटू कितना दिन है, 4 दिन। ठीक है, देख पा रहे हैं 4 + 3 7 × 4 कितना हो गया 28। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, 28 आपके पास होगा। अब यहाँ बात करते हैं, बोला क्या है कि शेष काम कितना है। ठीक है ना, वो भी आपको बताना है, किसमें, भिन्न में। आपको किसमें बताना है बच्चों, भिन्न में। बस ऐसा नहीं है कि शेष काम निकाल करके छोड़ दिया, शेष काम बेटा क्या हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 60, 60 में से काम कितना हुआ 28 काम हुआ, तो बचा कितना 32 काम। क्या आपको कहीं बेटा ऑप्शन में दिख रहा है 32, नहीं, क्योंकि सवाल ये नहीं पूछा गया है। सवाल पूछा गया है कि बचा हुआ जो काम है वो कुल कार्य की तुलना में उसका भिन्नात्मक वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बची हुई वैल्यू कितनी है 32, टोटल कितना है 60, इसको बेटा सॉल्व कर दो। 4 से करोगे तो 4 का 8 बार में और 4 का 15 बार में, मतलब 8/15 आपका होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, एसएससी के एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप बातों को नोट कर रहे होंगे। चलो अगला सवाल, ठीक है बताइए, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर्स, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, आसान सा बेटा सवाल है। देखो यहाँ पे भी देख रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और बाद में फिर देखो मीटर में दिया गया है, देख पा रहे हैं आंसर किससे बताना है, सेकंड में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलो देखो, आपको पता है क्या बताना है, टाइम बताना है। टाइम मतलब आपको पता है बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह से ट्रेन के बारे में जब सवाल पूछा जाता है, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस देखो क्या, डिस्टेंस यानी कि दूरी, लंबाई। ठीक है, लेंथ, आपको दो तरह की बेटा दूरी दिख रही है, एक ट्रेन की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, ऐसे समझो, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, देखो ऐसे समझो, देखो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए आप खड़े हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कोई ट्रेन महोदय आ रही है,
है, हाउ लॉन्ग इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन आ रही है ठीक है। तो ट्रेन अभी क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पैरेलल खड़ी है। अब सवाल आपसे बेटा ये पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म बेटा ये है और स्थिति कुछ ऐसी है कि ट्रेन क्या कहते हैं क्रॉस करना, क्रॉस करना मतलब कि ठीक इसको जस्ट पार करना। तो ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म ठीक है ना। तो बेटा जब इसको ये पार कर दी है तो कुल मिला के जो दूरी होगा वो क्या होगा, दूरी जो होगा ट्रेन की भी लंबाई होगी और प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे दूरी यानी कि दोनों को जोड़ देंगे मतलब 110 प्लस 165 मीटर ठीक है, डिवाइडेड बाई स्पीड, कितना है स्पीड बच्चों, 132 किलोमीटर प्रति घंटा, 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करेंगे यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, 18 नीचे का यानी कि ऊपर चला जाएगा ठीक है। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5, 6 और 1 7 और कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 और 1 7 1, 1, 2, 275 ठीक है। और ये बेटा हो जाएगा 132 × 5 और ऊपर जो 18 था उसको रहने देते। अब बस आपको प्रॉपर बस कैलकुलेट करना है, देखो 11 से काटेंगे 11 1 जा और 22, 11 2 जा 22 ठीक है, 11 2 जा 22, 5, 11 5 जा 55, 5 का कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखो 4 3 जा 12, इट्स नॉट 4 3 जा 12, ये 6 से काटो, 6 का 2 बार में और 6 का 3 बार में, मतलब 5 × 3 हो गया 15, 15/2 मतलब कितना आ गया, 7.5 सेकेंड। बात समझ में आई बच्चों, बस प्रॉपर कैलकुलेशन बन है ठीक है। ये था बच्चों ये इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन ठीक है, एकदम नींबू की तरह हमने इसको निचोड़ दिया है। इस सवाल को हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्रॉसिंग के बारे में पूछा जाए, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म का जब क्रॉस कर रही हो तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हम ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को हम जोड़ देते हैं ठीक है। तो ये इस पूरे के पूरे सेशन का आज का आज आखिरी सवाल था और आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो बेटा पूरा देखिएगा, जो प्रीवियस में जो सेशन मैंने इसके ले लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमपीएसआई के, उनको भी देखिएगा, सारे सवाल वही हैं जो एमपीएसआई 2017 में पूछे गए ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल उनके हैं, सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहे हैं, सॉल्व करिए देखिए, अगर कुछ डाउट होता है बेझिझक बिल्कुल दमदार तरीके से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए ठीक है। तो चैनल को बेटा जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगले वीडियो का मेरे इंतजार करिएगा, जल्दी ही मुलाकात हो ठीक है। तो इजाज़त लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच।